हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे जिसमें क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी कि 14 चैप्टर है आई थिंक, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लोस। ओके, तो आज हम जानेंगे इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो के बारे में। ओके, इको सिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ये क्या है हमारे चैप्टर का ना नाम है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम क्या है, एक पार्ट है, किसका पार्ट है, इकोलॉजी का, एक साइंस की ब्रांच है इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी एक ब्रांच है, इसी के अंडर इकोसिस्टम आता है, इसका फंक्शनल पार्ट है इकोसिस्टम। ओके, तो इकोलॉजी वर्ड एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। ओके, कौन, अर्नेस्ट हैकल, 1866 में इन्होंने क्या किया था, बताया था, किसके बारे में बताया था, इकोलॉजी वर्ड के बारे में। तो इकोलॉजी ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड लॉगस से बना हुआ है। ओइकोस मीन्स होता है शेल्टर आर होम, एंड लॉगस मीन्स होता है क्या, एसटीडी। ओके, समझ में आया इतना, तो हम क्या कहेंगे, तो हम जानेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों का उसके वातावरण से संबंध जो होता है वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ओके, यही क्या है इकोलॉजी की डिफिनेशन है। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ओके, तो हमारा चैप्टर क्या है, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ओके, क्या है ये, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो आइए हम देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। अब तो हम देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम वर्ड कौन दिया था, एजी टेंसले ने, सबसे पहले एजी टेंसले, ऑर्थर जॉर्ज टेंसले, कब दिया था, 1935 में। ओके, इन्होंने 1935 में क्या दिया था, इकोसिस्टम वर्ड दिया था। यही क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे वातावरण में जो भी बायोटिक यानी कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में जो संबंध बताता है वही क्या है, हमारा इकोसिस्टम है। ओके, सो हम जानेंगे क्या इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम,
इकोसिस्टम, इसके क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा क्या? एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। हाँ, तो बायोटिक में हमारा क्या आएगा? जितने भी लिविंग बींग्स होंगे, ठीक है, इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड टी कंपोजर सभी आ जाएंगे। इसमें क्या आएगा? क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर मॉइस्चर सॉयल रेन विंड ईटीसी। ओके, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे क्या? टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है क्या? नेचुरल, जो कि नेचर द्वारा बना होता है, नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मैन मेड, जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो नेचुरल में क्या आएगा हमारा? दो टाइप का हो जाएगा, एक टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो कि स्थल पे पाया जाता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा क्या होगा? एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। सेम इसी तरह मैन मेड में भी क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल नेचुरल में क्या आ जाएगा हमारा? फॉरेस्ट का इकोसिस्टम आ जाएगा, डिजर्ट का इकोसिस्टम आ जाएगा। ठीक है, डिजर्ट का इकोसिस्टम आ जाएगा। एक्वेटिक में क्या आ जाएगा हमारा? ओशियन का इकोसिस्टम आ जाएगा, रिवर का आ जाएगा। ठीक है, जबकि मैन मेड में क्या आएगा? टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा? क्रॉप फील्ड, यानी कि जहाँ पे खेती होती है। और क्या आएगा एक्वेटिक में? एक्वेटिक मैन मेड में एक्वेरियम, रिवर का तो एक्वेटिक नेचुरल में आएगा, जबकि पॉन्ड डीचेस जो होती हैं, छोटे छोटे जो जलाशय वगैरह होते हैं, वो कहाँ आएंगे? मैन मेड इकोसिस्टम के बारे में। ओके, तो हमने क्या देखा? हमने देखा इकोलॉजी क्या होती है, इसकी फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का वर्ड कौन दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में होता है। ठीक है, और इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, थैंक यू।